अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद, आज एक नई वीडियो के साथ। भिंडी की काश्त के सिलसिले में आजकल फार्मर्स काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, तो आज एक वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो, भिंडी की काश्त के बारे में बात करते हैं कि क्या हमें हाइब्रिड काश्त करनी चाहिए कि नॉन हाइब्रिड काश्त करनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ के बारे में बताऊंगा, कौन सी वैराइटीज़ मार्केट में बहुत अच्छी सेल हो रही हैं और किन के रिज़ल्ट अच्छे हैं और क्या हमें काश्त करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि भिंडी की काश्त किन टाइमिंग्स में होती है, किस तरीके से होती है और हमें किस तरीके से काश्त करनी चाहिए। वीडियो के साथ जुड़े रहें और सब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक किया करें। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बिलीव मी। आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने नहीं किया, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन की सख्त ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी तोरी, भिंडी तोरी की काश्त पाकिस्तान में दो सेगमेंट्स में होती है। पहली जो इसकी काश्त होती है वो फरवरी में काश्त होती है और दूसरी जो इसकी काश्त होती है वो होती है गंदम की कटाई के बाद। और पाकिस्तान में ये भिंडी जो है ना, इसकी काश्त काफ़ी पैमाने पे की जाती है। और अगर हम बात करें केपीके की, तो केपीके में भी इसकी काश्त होती है, पंजाब में इसकी बड़े पैमाने पे बहुत सारे अज़ला में काश्त होती है, और तीसरा अगर हम देखा जाए तो आपको सिंध में इसकी काश्त काफ़ी जगह पे मिलेगी। एक्साम में हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों किस्में काश्त की जाती हैं। नॉन हाइब्रिड भी बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है क्योंकि वो कॉस्टली नहीं होती। हाइब्रिड एक्साम इसकी काफ़ी कॉस्टली है, आजकल तो बहुत महंगी हो गई है। आपको 12,000 से 15,000 की रेंज में पर केजी मिलेगी। अगर हम बीज की क्वांटिटी की बात करें कि टोटल कितना बीज लगता है फी एकड़ में, तो नॉन हाइब्रिड जो बीज है वो तकरीबन 16 किलो से लेकर 50 केजी तक लोग, मुख्तलिफ फार्मर्स मुख्तलिफ एरियाज़ में इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं और डालते हैं फी एकड़ में, क्योंकि देसी जो वैराइटीज़ हैं उनको लोग कोई ख़ास तरीका नहीं इस्तेमाल करते। ज़्यादातर लोग इसका छट्टा करते हैं और उसके बाद खिलियाँ निकाल देते हैं या पटड़े बना देते हैं, तो इस तरीके से काश्त की जाती है, इसलिए इसका बीज ज़्यादा लगता है। जो हाइब्रिड बीज है उसको बाकायदा तरीके से इसके लिए ज़मीन बनाई जाती है, खिलियाँ बनाई जाती है, उसके बाद इनको चोपे से लगाया जाता है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो उसके लिए जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं उनके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो बुशी प्लांट्स बनाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सीधा ऊपर जाती हैं। तो ज़्यादातर जो एवरेज तरीक़ाकार है वो ये है कि पौधे से पौधे का जो फासला है वो 9 इंच रखा जाता है और जो कतार से कतार का फासला है वो 20-22 इंच से लेकर 2 फुट तक रखा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं और उसके करेक्टरिस्टिक कैसे हैं, वो किस किस्म का पौधा बनाती है, उस हिसाब से फिर आप उसके लिए पौधे से पौधे का फासला भी रखें और उसी हिसाब से फिर आप कतार से कतार का फासला भी उसके लिए बराबर करें। बाकी ये है कि मैक्सिमम जगहों पर इसी तरीके से काश्त की जाती है, तो अगर हम इस तरीके से काश्त करें तो तकरीबन एकड़ में 65 से लेकर 70 तक खेलियाँ निकलती हैं। ये इसकी काश्त का तरीका हो गया। बाकी ज़मीन की जो बेहतर ज़मीनें हैं वो इसके लिए ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पानी कम, जिसका निकास होता है, उन जगहों पे काश्त करते हैं लोग, वहाँ ज़्यादा इसकी पैदावार ली जा सकती है। फार्मर पर डिपेंड करता है, हर फार्मर के पास एक जैसे ज़मीनें नहीं होती, तो इसलिए फार्मर जो भी काश्त कर ले वो रेतली ज़मीनों पर काश्त ना करें, बाकी हर किस्म के ज़मीन पर इसको काश्त किया जा सकता है। ऐसी ज़मीनों पर काश्त करें जहाँ ज़्यादा सख्त ना हो ज़मीन,
ज़मीन की तैयारी 2-3 दफ़ा करें और ऐसे करें ताकि ज़मीन नरम हो जाए। उसके बाद खिलियाँ निकालें और उसके बाद आप इसको पानी दे दें और खिलियाँ निकालने के बाद बीज लगा दें, उसके बाद पानी दें, तो वो बेहतर तरीका है। पहले 2 दफ़ा आपको पानी ऐसे देना पड़ेगा ताकि बीज का उगाव सही तरीके से हो जाए, क्योंकि जो भिंडी का बीज है ये थोड़ा सा सहचान होता है, इतनी आसानी से उगता नहीं है। अगर अच्छा बीज है तो उसकी जर्मिनेशन अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाती है। भिंडी में एक दो बातें हैं जिनका ख्याल रखना लाजमी है। भिंडी का फार्मर्स जो फार्मर नहीं जानता इसके बारे में, वो इसको आम सब्ज़ी की तरह काश कर लेता है, जिसके बाद उसको अक्सर कंप्लेन होती है कि उसके पौधे बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए और उसको कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रही। भिंडी को पानी रोक के तैयार किया जाता है और दूसरे पानी के बाद जब तक पौधा बिल्कुल मरने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक उसको पानी नहीं दिया जाता ताकि वो जल्दी से जल्दी फूलों पर आ जाए। तो इस तरीके से फार्मर्स को पानी कम कम से कम देता रहता है और इसको ऐसी कंडीशन पे रखता है कि ये हमेशा ड्राउट कंडीशन में रहती है, हर वक्त ये पानी मांगती रहती है और फार्मर इसे कम से कम पानी देकर इसको स्ट्रेस में रखता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकाले, और इसी तरीके से फार्मर से बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी ले रहे हैं। अगर बीज की क्वांटिटी की बात की जाए तो नॉन हाइब्रिड में मैंने आपको बता दिया, हाइब्रिड में मुख्तलिफ एरियाज़ के मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, 2 kg से लेकर आप 5 kg तक और 8 kg तक भी लोग इसे काश करते हैं। जितना ज़्यादा बीज लगाएंगे उतने ज़्यादा प्लांट्स होंगे और जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतने ही आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे। जितना भिंडी कंजस्टेड होगी वो उतनी स्ट्रेस में होगी, उतनी अच्छी प्रोडक्शन आपको देगी और आप इससे जल्दी जल्दी पिकिंग्स ले सकेंगे। और जब पौधा बहुत ऊपर चला जाता है फिर आप इससे इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले सकते। जो गंदम की कटाई के बाद जो काश की जाती है वो नवंबर तक आपको प्रोडक्शन दे देती है, और गंदम की कटाई के बाद मैं किसी को देसी नॉन हाइब्रिड जो भिंडी की इकसाम है, जिसमें से सब्जपरी और एक और किस्म है, वो उनकी रिकमेंडेशंस में नहीं देता। उसकी वजह यही है कि वो इकसाम जब आपकी बरसात आती है तो उन दिनों में अपना रंग चेंज करती है, तो फिर आपको भिंडी की मार्केट अच्छी नहीं मिलती, आप उसकी अच्छी प्राइस नहीं ले सकते। नॉन हाइब्रिड जो इकसाम है या सिलेक्टेड इकसाम है वो आप फरवरी में काश करें और ज़्यादा अरसे तक ना का लेके जाएं उसको, तो जब बरसात से पहले पहले उसको ख़त्म कर दें। इससे पहले पहले अगर आपने हाइब्रिड काश किए भी है तो वो आपको अच्छी और लंबे अरसे तक प्रोडक्शन दे सकती है। ये कुछ भिंडी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह जो अच्छी इकसाम है हाइब्रिड में उनके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।